नमस्कार दोस्तों, आपका एपिसोड नंबर 2 में स्वागत है। जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 1 में देखा कि हम कैसे दिल्ली से गोधरा पहुँचे, और हमने इसमें ट्रैवल किया day 1 शाम को 6 बजे से day 2 अगले दिन की रात को 10 बजे तक। हमने टोटल अप्रॉक्सीमेशन 932 किलोमीटर ट्रैवल किए दिल्ली टू गोधरा, जिसमें आपने देखा थी हमने कहाँ पे खाना खाया, कहाँ CNG भरवाई और कैसे हम शाम को एंजॉय करते हुए गोधरा के अंदर पहुँचे। एपिसोड नंबर 2 में हम आपको दिखाएंगे गोधरा से हम कैसे पूना और पूना से आगे हम पहुँचते हैं गोवा। इन बीच में क्या क्या हमें नए नए रास्ते मिलते हैं या हमने क्या क्या नई नई चीज़ें देखी, वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड नंबर 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ अरविंद को देखा क्या में। सुबह 7 बजे दोबारा day 2 की स्टार्टिंग फ्रॉम गोधरा टू, जो आज टारगेट किया है वो किया है कोल्हापुर, बट देखते हैं कोल्हापुर पहुंचते हैं या फिर सतारा में स्टॉप करना पड़ेगा या तो फिर पूना में स्टॉप करना पड़ेगा, जैसा भी बॉम्बे के ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता सारा कि हम कैसे और कब तक पहुँचते हैं। क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक देखा है दूसरों के वीडियो में कि बहुत ट्रैफिक होता है, तो उनको टाइम लग जाता है बॉम्बे क्रॉस करने में। तो सब कुछ बॉम्बे के ऊपर डिपेंड है कि बॉम्बे कितने घंटे में हमको बाहर निकालता है अपने शहर से। देखते हैं फिर धीरे धीरे आगे की जर्नी कैसी है। अभी तो रोड एकदम खाली है, सुबह का माहौल है और थोड़ी थोड़ी ठंड है यहाँ पर। दिल्ली जितनी तो नहीं है, बट गर्मी की जो सुबह सुबह ठंडी होती है वैसी ठंडी है। चलिए देखो आगे क्या होता है। ये हमने क्रॉस किया है हलोल, अब आएगा आगे बड़ौदा स्टेट हाईवे। भी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल हाईवे, और टोल्स के फ्री होने से तो मज़ा ही आ जाता है। जब पैसे नहीं देने पड़ते एक्स्ट्रा अपनी जेब से, तो लगता है कुछ अलग ही अचीव किया आपने। देखते रहिए, इधर कंपनीज हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों तरफ। ये है एनर्जी इलेक्ट्रिक कंपनी कोई, ऐसा ही रोड है। ये बड़ौदा क्रॉस करते हुए ये L&T बड़ौदा की कंपनी, ये राइट हैंड साइड पे बड़ौदा शहर जाते हुए। बड़ौदा भी लंबा शहर है तो इसको भी क्रॉस करने में टाइम लगेगा। ये देखो सामने लेफ्ट साइड में जाओगे तो बड़ौदा शहर 5 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा, बट हमको तो सीधा जाना है टूवर्ड्स भरूच बॉम्बे। यहाँ रुके हम नाश्ते के लिए होटल एप्पल ग्रांड रिसॉर्ट। ये हमारी गाड़ी, ये है ऐसे हाईवे पे एक होटल सर्वोत्तम उधर साइड में, उसके पास में ये। और ये है हमारा फूड रिपब्लिक, यहाँ हमने नाश्ता किया, बढ़िया नाश्ता था। ये है 17वां नंबर का टोल, देखते हैं यहाँ पे चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते। कार्स का टोल लग रहा है, मतलब हमने 12, 13, 14, 15, 16 5 टोल हमने फ्री निकाले। और ये बड़ौदा से बाहर निकलते समय टोल का पैसा देना पड़ रहा है ₹105। ये अभी हम चल रहे हैं नदी के ऊपर, ये रोड है सिर्फ कार्स के लिए, और इधर पास में दूसरा रोड है जो हैवी व्हीकल्स के लिए। यहाँ हम रुके हैं खाने के लिए हल्दीराम पे ऑन द वे। मेन हाईवे पे दोनों तरफ से जाते समय यहाँ से घुस सकते हैं, और आते समय पीछे की तरफ से बर्गर किंग भी है, हल्दीराम भी है, पेट्रोल पम्प भी है। ये हमने ऑर्डर किया है लंच में नवाबी डिलक्स थाली, इसमें ये आया है दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज, दही बड़ा, चावल, रोटी, अचार, और एक ये पाव भाजी, और ये गुलाब जामुन स्वीट्स में।
की ढाबा। ये 4:30 बजे हम बॉम्बे में एंटर करते हुए, एंटर करते समय जो नदी आती है, नदी कह लो या समुंदर का जो भी कनेक्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग के अंदर बॉम्बे का, वो एरिया है। ये जो लेफ्ट सर्कल दिख रहा है होटल फाउंटेन, यहाँ से लेफ्ट लेना है टूवर्ड्स थाने। हमको जाना है थाने, जा सकते हैं वैसे तो। और सीधे जाते उधर तो आप चले जाओगे मीरा रोड, बोरीवली, अंधेरी। अब यहाँ से रास्ता है थाने का, यह है गोड़बाइंदर रोड। एक्सप्रेसवे पे कहीं रिफ्रेशमेंट कुछ बना ही नहीं है, तो जैसे ही हमने कपोली का टोल क्रॉस किया, वो टोल क्रॉस करने के जस्ट कुछ सेकंड के बाद में एक अच्छा सा बड़ा सा रेस्ट रूम एंड रिफ्रेशमेंट के लिए जगह आई। तो देखिए, आपको दिखाते हैं वो जगह। छोटे से चाय ब्रेक के लिए यहाँ पे दिख तो रही है, अच्छी खासी दुकानें हैं। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे।
चहा, महाराष्ट्र चहा, सैंडविच, नेस्कैफे, मंगल, सारी इंस्टॉल्स हैं यहाँ पे। मैकडी भी है अंदर, मैकडी है, गुड लक कैफे, शिवड़ापा, इधर वॉशरूम भी है, कोको मार्ट, पार्किंग का भी स्पेस अच्छा खासा है यहाँ पे। मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आना है, हाईवे से 100-200 मीटर, और अपनी गाड़ी पार्क करके स्पेशियस और अच्छा है। टोल नंबर 23rd, पूना का टोल। अब यहाँ से आएगा पूना, 23 टोल क्रॉस करने के बाद पूना शहर आपके इस नज़रों के सामने अभी आएगा। उसको आने में भी टाइम है, 1 घंटा लगेगा, 45 किलोमीटर है यहाँ से। यह है होटल टिप टॉप इंटरनेशनल, पुणे में आज की रात यहाँ रुकेंगे। इस तरीके से दिखता है, इधर साइड में गाड़ी पार्किंग करेगी और यहाँ से एंटर करने का रास्ता। हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, UP 14CA 6207, यहाँ से एंट्रेंस यही तो है। हाँ, रिसेप्शन एंट्रेंस और यह लिफ्ट। यह है हमारा फ्लोर 7 नंबर दबा दिया। इस तरीके का है, उधर है कबर्ड, लॉकर, इसमें है अच्छा सा स्पेस सामान रखने के लिए, मिनी फ्रिज, छोटी सी कटलरी, ये शू रैक सामान रखने के लिए, ये ट्विन बेड वाला रूम है, ये आपका वर्किंग एरिया, चेयर, कुर्सी आराम करने के लिए, और बाहर का एरिया जो अभी दिखने, और ये है वॉशरूम, बाथरूम। ये हमने ऑर्डर किया है इसी होटल में थाली सिस्टम का, जितना चाहिए उतना। ये पता नहीं क्या है, ये रबड़ी, ये दाल फ्राई, ये गुजराती कढ़ी, आलू की सब्जी, ये कौन सा दाल है मेरे को पता नहीं, ये पनीर, मंचूरियन, फ्राइड रोटी, और ये आ गया, और ये छाछ, दाल छाछ, ये छाछ।